वेलकम टू माई नेक्स्ट ट्यूटोरियल। जिस तरह मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको डाटा मेंबर के बारे में बताया था, मैं उस के बारे में आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि हमारा वो हम उसके ज़रिए कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ये जी क्लास इसकी मैं बना लेता हूँ पर्सन की, ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ, एक प्राइवेट ले लेता हूँ, प्राइवेट एक इंटीजर एज ले लेता हूँ, उसके बाद एक प्रोटेक्टेड ले लेता हूँ, करेक्टर सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है जी, करेक्टर सेक्शन जी। आगे उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक, ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, ठीक हो गया, ये स्ट्रिंग नेम ले लिया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास डिराइव, क्लास, ठीक है, या चाइल्ड क्लास। उसके लिए यही है कि आपने पहले से क्लास की वर्ड लिखना है, उसके बाद ड्राइव क्लास का नेम लिखना है, इधर उस पर कॉलन लगाना है, इधर आपने स्पेसिफायर बताना है कि हम कौन सी इनहेरिटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक तो हम स्टार्टिंग से हम पब्लिक ही करेंगे, उसके बाद मैं आपको पब्लिक इनहेरिटेंस, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीनों के बारे में डिटेल से बताऊंगा, ठीक हो गया। उसके बाद मैं पब्लिक किससे कर रहा हूँ, अपनी उस क्लास का नेम लिखना है जो हमारी पेरेंट होगी, ठीक हो गया। अब पर्सन आ गए, ठीक है, मैं इसमें ये करता हूँ। अब मैं इधर वाइट एक पब्लिक में जाके फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक, ठीक है, एक मैं बनाता हूँ वाइट इनपुट का, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, सी इन कर देता हूँ नेम, उसके बाद एज और उसके बाद सेक्शन, ठीक हो गया। साथ ही मैं एक शो का फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें वो वैल्यू डिस्प्ले कराएगा, ठीक हो गया, सी आउट, ठीक हो गया, सी आउट नेम एंड एज एंड उसके बाद सेक्शन, ठीक हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने आपको जिस तरह स्लाइड्स में पीछे बताया था कि हमारा जो प्राइवेट डाटा मेंबर है वो हम सिर्फ उसके अपनी मेन क्लास में असेस कर सकते हैं, उसको ड्राइव क्लास में असेस नहीं कर सकते। तो जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो वो हमें एरर देगा, ठीक है। उसके बाद हम ये क्या करते हैं, एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया था, जब हम ये इनहेरिटेंस इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर ये ड्राइव क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना के हम इसके डाटा को हम जब हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो फिर हम इसका डाटा हम असेस करवा सकते हैं पेरेंट क्लास का, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ड्राइव क्लास होती है वो उसके पास तमाम एट्रीब्यूट्स इस क्लास के मौजूद होते हैं, बेशक वो मेंबर फंक्शन है या वो डाटा मेंबर है, ठीक है। तो मैं इसमें सबसे पहले ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। जब मैं वारिस डॉट इनपुट फंक्शन को कॉल करूँगा, फिर वारिस डॉट शो फंक्शन को कॉल करूँगा, इस समय इस वक्त वो मुझे एरर दे देगा। वो क्यों एरर देगा, वो कहेगा कि नेम वो सॉरी ये जो हमारा एज है, एज प्राइवेट है, आप इसको ड्राइव क्लास के अंदर असेस नहीं कर सकते, ठीक है, और इसको भी आप इधर से भी एरर दे देगा। अभी मैं रन करता हूँ तो मैं इसको बताता हूँ इनहेरिटेंस वन, ठीक हो गया। अब मैं एरर करता हूँ तो वो हमें एरर दे देगा, ठीक है। अब वो एरर आप पढ़ सकते हैं कि एज इज प्राइवेट, ठीक है, तो विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जब मैं इधर से एज को ख़त्म कर दूंगा, ठीक हो गया, और उसके बाद एज को मैं ख़त्म कर देता हूँ तो अभी के लिए मेरा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी वो मुझसे नेम मांगेगा और सेक्शन मांगेगा, मैं उसको नेम दे देता हूँ और साथ में उसको सेक्शन दे देता हूँ, ठीक है, वो उसने मुझे वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। इस तरह बाकी आगे वो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है और पब्लिक डाटा मेंबर है वो ड्राइव क्लास के अंदर
मेन क्लास में तो उसने सेस होना ही होना है, आपको पता ही है कि मेन क्लास में हर चीज़ अपनी क्लास में तीनों एक्सेस होंगे। ठीक है, मसला आता है कि ड्राइव क्लास और मेन फंक्शन में कैसे सेस होगी। बाकी आपको बताया था कि ड्राइव प्रोटेक्टेड जो है वो ड्राइव क्लास में सेस हो सकता है, जो हमारी पब्लिक है वो भी ड्राइव क्लास में सेस हो सकता है। ठीक है, यही वो इसीलिए हमारा कोड एग्जीक्यूटर नेम भी क्या नेम हमारे पास है पब्लिक नेम पब्लिक है। ठीक है, सेक्शन हमारे पास प्रोटेक्टेड है तो ये उसने प्रोटेक्टेड को भी असेस करवा दिया है। अब इसको छोड़ के हम आते हैं मेन पर, बात करते हैं कि हम मेन में क्या क्या चीज़ हम असेस कर सकते हैं। मेन में हम प्राइवेट को असेस नहीं कर सकते और प्रोटेक्टेड को असेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ पब्लिक को असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जाके अब मैं इधर अपना करता हूँ वारिस दाज नेम, ये नेम तो मैं दे देता हूँ, नेम मैं दे देता हूँ वारिस। ठीक हो गया, उस बाद मैं नेम को डिस्प्ले करवा देता हूँ सी आउट, सी आउट नेम इज। ठीक है, अब मैं इसको नेम दे लेता हूँ कि नेम क्या उसने दिया है। ठीक हो गया, अब मैं जब इसको करूँगा वारिस डॉट एज इक्वल टू 20 और साथ ही मैं वारिस डॉट सेक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक हो गया, तो उसको मैं दे देता हूँ ए। ठीक है, अब ये हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको इसमें बताया जो हमारा पब्लिक वो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डाटा मेंबर है वो मेन फंक्शन में असेस नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया, और जो पब्लिक है वो सिर्फ असेस होगा, तो हमें ये एरर दे देगा, इसलिए मैं आपको एग्जीक्यूट करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, वो क्या कह रहा है, इंट पर्सन एज इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, करेक्टर पर्सन सेक्शन इज प्रोटेक्टेड विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हम इसको असेस कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं इसको ख़त्म करूँगा तो फिर हमारा कोड बिल्कुल एक्यूरेटली एग्जीक्यूट होगा और हमें वारिस उस पर डिस्प्ले कर देगा, नेम इज वारिस, वो हमें सिर्फ डिस्प्ले करवा देगा। ठीक हो गया, ये बात हमारी इस यहाँ तक क्लियर हो गई है। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि क्या होता है काम इसमें, कि हमारे क्या किया, हमने एक प्राइवेट डाटा मेंबर लिया, एक प्रोटेक्टेड लिया और एक पब्लिक लिया। हमने इसको ड्राइव क्लास, ये हमारी ड्राइव क्लास है और उसको हम पब्लिकली इससे इनहेरिटेंस करवा रहे हैं। अब ये जो पर्सन है ये पेरेंट होगी और ये ड्राइव क्लास ये चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है, इसमें मैंने इनपुट के जरिए हमने प्रोटेक्टेड और पब्लिक डाटा मेंबर को कॉल किया हुआ है। ठीक है, जब इसको हम प्राइवेट डाटा किसी एसेस करेंगे तो वो हमें एरर दे देगा। इस तरह हम ड्राइव क्लास इधर मेन में जाके मैंने क्या किया, मैंने पब्लिक को डाटा मेंबर को कॉल किया। जब मैं इसके जरिए मैं अब जब मैंने प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डाटा को कॉल किया तो हमें उसने एरर दे दिया। ठीक हो गया, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैंने स्लाइड पे आपको डिटेल से बता दिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।